हेलो फ्रेंड, आस्था फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है बेसन के कोफ्ते। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम देखते हैं बेसन के कोफ्ते बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। ये मैंने 2 बाउल बेसन लिया है, ये 2 प्याज लिए, धनिया पत्ती लिए जिनको काट लिया है, ये मैंने 4 मिर्ची जिनको बारीक काट लिया है। ये हमको बेसन में डालने के लिए मसाला चाहिए। ये मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, सौंफ लिए थोड़ी सी, अगर आप डालना चाहें तो आप ले सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने ग्रेवी बनाने के लिए मसाला लिया है, इसमें मैंने 3 प्याज काटे हैं, लहसुन की कलियाँ हैं 10-12 और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है जिनको मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मुझे सूखे धनिया है, ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून जीरा। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये पानी बाउल करने रख दिया है, इसमें अपने कोफ्ते उबालेंगे। आइए पहले आटा गूंद लेते हैं हम बेसन का। इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे, ये प्याज, सारे प्याज डाल देंगे, मिर्च और धनिया पत्ती। हम थोड़ी सी धनिया पत्ती रख लेंगे ग्रेवी में डालने के लिए। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, 1 टीस्पून ऑयल डाल लें और इसको पानी की सहायता से पहले इसको मिक्स कर लें, जिससे हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए बेसन में। फिर हम पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका आटा गूंद लें, जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरीके से। ये हमने कोफ्ते का आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। हम इसके गोल गोल बॉल्स बनाएंगे। हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथ पर, इसको आपको जितने बड़े बॉल्स चाहिए, जितने बड़े कोफ्ते चाहिए आप उतने बड़े इनको बना लें इस तरीके से। हम इनके सारे आटे की इसी तरीके से बॉल्स बना लेंगे। ये हमने सारे बॉल्स बना लिए, ये हमारे कोफ्ते बनकर तैयार है। ये हमारा पानी बॉइल हो चुका है, हम इसमें इन बॉल्स को डाल देंगे। हमको इनको जब तक उबालना, जब तक ये ऊपर ना आ जाए, अभी ये नीचे है, ये जब उबल जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। ये हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने ये 2 बड़े चम्मच भरकर ऑयल लिया है। हम इसका मसाला भूनना चालू करते हैं, गैस ऑन करेंगे, ये हमारा ऑयल गर्म हो जाए जब हम इसमें हींग जीरा डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, हम हींग जीरा डालने से पहले जो हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम उसमें ये मसाले मिला लेंगे। ये हमने मसाला मिला लिया, अब हम इसमें ये हींग जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए, ये हमारा जीरा हो चुका है, इसमें ये मसाला डाल देंगे। इसमें सारा मसाला डाल दिया, इसको चला देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये मसाला भी डाल देंगे और इसको धीमी गैस पर भुजने देंगे मसाले को। ये हमारे कोफ्ते ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर आ जाते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये बॉईल हो चुके हैं। हम गैस ऑफ करेंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हम सारे कोफ्तों को प्लेट पर निकाल लेंगे।
हमारा जो कोफ्ते का पानी है इसको हमको फेंकना नहीं है, क्योंकि इससे ही हम ग्रेवी बनाएंगे। हमने ये एक पैन लिया है, उसमें हमने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है, सब्जी वाला जो बड़ा चम्मच होता है उसको। हमको इनको ये कोफ्ते हैं इनको फ्राई करना है। हम इनको कट कर लेंगे दो टुकड़ों में इस तरीके से। हम गैस चालू कर देंगे, इससे हमारा ये ऑयल गर्म हो जाएगा और हम इन कोफ्तों को भी कट कर देते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये हमने सारे कोफ्ते कट करके रख लिए। अब हम इनको इस साइड से इनको इसमें डाल देंगे। हल्का ब्राउन होने तक हमको इनको तलना है। ये हमने कोफ्तों को दोनों साइड से पलट कर तल लिया है। अब गैस ऑफ कर देंगे। मैंने सारे कोफ्ते तल लिए हैं और उनको निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। ये हमने सारे कोफ्ते तल कर निकाल लिए, ये तैयार है। हम इस पैन को एक साइड रखेंगे और ये हमारा मसाला भून रहा है। देखिए हमारा मसाला भी भुनकर तैयार है, क्योंकि हमने इसको मीडियम गैस पर पहले ही भुनने के लिए रख दिया था। तो जब तक हम कोफ्तों को तलते हैं उनको, जब तक हमारा मसाला भुनकर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो एक ही कढ़ाई में कोफ्तों को पहले तलकर और फिर उसका मसाला आप छोक कर भून सकते हैं। मैंने इनको अलग अलग करा है क्योंकि इससे काम जल्दी होता है, सब्जी आपकी जल्दी तैयार हो जाएगी। ये हमारा तैयार है और उसमें ये कोफ्ते डाल देंगे। मसाले में मिला देंगे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और हमारा जो कोफ्ते का पानी है इसको भी हम डाल देंगे। आपको ग्रेवी कैसी जैसी चाहिए आप वैसी रख सकते हैं। आप अगर आपको थिक पसंद है तो आप इसकी ग्रेवी थिक भी रख सकते हैं, और अगर पतली चाहिए तो आप इसको पतली भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालें, क्योंकि ये कोफ्ते जो पानी पीते हैं इसलिए बाद में इसकी ग्रेवी थिक हो जाती है। जैसे हमको ग्रेवी इतनी थिक चाहिए तो अभी हमको इतना ही चाहिए, तो इसलिए हम इसमें और पानी डालेंगे, जिससे ये उबलने के बाद हमारी ग्रेवी पकने के बाद। वैसे तो ये पका ही हुआ पानी है, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा उबालेंगे इसको। मैंने इतनी इसकी रखी है पतली, ये उबलने के बाद थिक ग्रेवी हो जाएगी। हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पर उबाल लेते हैं। इसको ढक देते हैं। ये देखिए पानी गर्म है इसलिए इसमें उबाल जल्दी आ जाता है। हम इसकी मीडियम गैस कर देंगे। इसको हम खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है, हमारे लौकी कोफ्ते रेडी। ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। हम इनको कोफ्तों को एक डिश में निकाल लेंगे। ये हमारे बेसन के कोफ्ते तैयार हैं। ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे लगते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं इनको, और ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।